हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है सो इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ड्रग्स फॉर द पैप्टिकल्सर कि जो पैप्टिकल्सर जो फॉर्म होता है उसके ट्रीटमेंट में हम कौन से अलग अलग मेडिसिन यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स कि पैप्टी अल्सर के जो मेन कोजेज़ है कि उनके जो कोज है रीज़न्स है कि पैप्टी अल्सर होने के जो रीज़न्स है तो उसके अंदर फर्स्ट रीज़न ये है कि एक्सेसिव अमाउंट में क्या सीक्रेट होता है पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड गैस्ट्रिक एसिड जो है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सिक्रेट होता है तो सबसे पहले हमारा टारगेट ये रहता है ट्रीटमेंट के अंदर ये जो गैस्ट्रिक एसिड का जो सिक्रेशन है वो सबसे पहले हम क्या करें इनहिबिट करें तो हमारा फर्स्ट टारगेट भी रहती है ये ये मेडिसिन की जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स और उसके अंदर सबसे पहले एच टू एंटी हिस्टेमाइंस कि जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हिस्टेमाइन एच टू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग और ये जो एंटागोनिस्ट है एंटागोनिस्ट ऑफ़ हिस्टेमाइन एच टू वो मेडिसिनस का मेन मेकेनिज़म होती है कि गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करना तो ये मेडिसिन क्या करती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करेगी और जिसकी फेमस मेडिसिन से सीमेटिडिन है रेनेटिडिन है फेमोटिडिन रॉक्जाटिडिन एंड निज़ाटिडिन तो ये मेडिसिन फर्स्ट चॉइस रहती है टू इनहिबिट द एसिड सिक्रेशन अब सेकंड है यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेनेटिडिन टैबलेट्स लिखा है कि हार्ट बर्न इनडाइजेशन एसिड इनडाइजेशन एंड एक्सेस एसिड तो ये एक्सेस एसिड को डिक्रीज करने के लिए उसको इनहिबिट करने के लिए हम ये एंटी हस्टेमाइंस एच टू एंटी हिस्टेमाइन या फिर हिस्टेमाइन एच टू ब्लॉकर्स मेडिसिन को यूज़ करेंगे सेकंड है अब वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं कि पी पी आईस टर्न ऑफ प्रोटॉन पंप एंड रिड्यूस द एसिड कि एसोफेगस से यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड क्या हो रहा है कि एसिड जो है वो सीक्रेट हो रहा है कि एसिड प्रोड्यूस बाय द प्रोटॉन पंप कि जब ये प्रोटॉन पंप से एसिड जो सीक्रेट होता है उसको ही समझो कि आप इनहिबिट कर दो अच्छे से तो क्या होगा फर्दर एसिड सिक्रेशन जो है वो इनहिबिट हो जाता है तो हमारा टारगेट है कि प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करना और उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ड्रग को यूज़ करते हैं कि ये जो प्रोटॉन के जो पंप्स से कि जो सिक्रेट करते हैं एसिड समझो कि वो प्रोटॉन पंप ही इनहिबिट हो जाएंगे तो फर्दर गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी क्या हो जाएगा इनहिबिट तो उसके अंदर ये जो ओमिप्राजोल है एसोमिप्राजोल उसके बाद लैंसोप्राजोल पेंटोप्राजोल एस माइनस पेंटोप्राजोल रेबीप्राजोल एंड डेक्स्ट्राबी प्राजोल तो यहाँ पे सभी के पीछे आप देख सकते हो लिखा हुआ प्राजोल तो जितने भी ये प्राजोल्स है कि चाहे ये वो ओमी पराजोल है एसोमो एसोमी प्राजोल है लेंसो है या फिर पैंटोप्राजोल और रेबी पराजोल तो ये सभी मेडिसिंस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स काम करेगी और वो क्या कर देगी बंद कर देगी प्रोटॉन पंप्स को और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा और ये एसिड सिक्रेशन ही इनहिबिट हो जाएगा तो पैप्टिक अल्सर जो एसिड के कारण जो फॉर्म होता है वो भी धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट होगा नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स के अंदर एंटीकॉल ड्रग स्ट्रग कि है प्रोपेंथेलाइन ऑक्सीफिन फेनोनियम वगैरह ये तीन मेडिसिन एज अ एंटीकोलिनर्जिक क्लास के तौर पे यूज़ होती है तो ये खास आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मोस्ट आईएमपी पॉइंट हम कह सकते हैं मोस्ट आईएमपी पॉइंट इसलिए क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ख़ास पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकॉलिनर्जिक्स आर यूज एज अ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इन्हीबिटर तो उस वक्त आपको ये एग्जाम्पल याद रखने की पायरेंजे प्रोपेन्थेलाइन एंड ऑक्जीफेनोनियम उसके बाद एक और एम सी क्यू के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि विच ऑफ द प्रोस्टाग्लैंड एनिलॉग इज़ यूज एज अ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेसन इन्हीबिटर एंड यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ पैप्टिकल्सर दिट इज़ ए मिसोप्रोस्टॉल यहाँ पर देखा है मिसोप्रोस्टॉल टू हंड्रेड एम जी कि जो मिसोप्रोस्ट टू हंड्रेड के तौर पर मार्केट में अवेलेबल है कि जो डिज़ाइन की जाती है बाय सिप्ला कि सिप्ला की ये प्रोडक्ट है मिसोप्रोस्ट uh, 200 माइक्रोग्राम यहाँ पे लिखा है 200 हंड्रेड एम का मतलब रहेगा 200 माइक्रोग्राम के डोज़ के अंदर ये मेडिसिन अवेलेबल है 200 माइक्रोग्राम डोज़ है ये मिसोप्रोस्टोल का आगे सीखते हैं नेक्स्ट वो है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज़र्स अब फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि एसिड को इनहिबिट किया एसिड का सिक्रेशन uh, तो हमने क्या कर दिया डिक्रीज करवा दिया या फिर इनहिबिट करवा दिया बट जो ऑलरेडी प्रेजेंट uh, है एसिड कि जो क्या कर रहा है स्टमक के अंदर कर रहा है इरिटेशन ये वर्ड आपको ख़ास पकड़ के रखो कि ऑलरेडी जो स्टमक के अंदर एसिड प्रेजेंट है वो तो इरिटेशन कर ही रहा है तो ज़रूरी है उसको न्यूट्रलाइज़ कर देना और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एंटी एसिड एंटी एसिड और एंटी एसिड को अब शॉर्ट में कहा जाता है एंटासिड्स कि एसिड के सामने एंटीडॉट्स तो हो गए वो एंटासिड्स एंड उसमें सबसे पहले जो फेमस है कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम साइट्रेट की स्पेशली हम जो एफरवेसन पाउडर है एफरवेसन पाउडर के तौर पे हम उनको यूज़ करते हैं एफरवेसेंट पाउडर के तौर पे और वो फेमस ब्रांड आपने पता ही है आपको एक तो इनो एंड सेकंड जो हम यूज़ करते हैं सोडा जी तो सोडा जी एंड इनो वो एग्जाम्पल है कि सिस्टेमिक गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स एज एस ए एंटासिड टू तो ट्रीट द पैप्टिक अल्सर के की एसिड सिक्रेशन तो आपने इनहिबिट कर ही दिया बट जरूरी है प्रेजेंट एसिड को न्यूट्रलाइज करना और उसके लिए ये एंटासिड्स नेक्स्ट है नॉन सिस्टेमिक जिसके अंदर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कि जिसको फेमस नाम दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया मिल्क ऑफ मैग्नेशिया वो आपने नाम दिया हुआ है प्रैक्टिकल के दौरान कि प्रिपेर एंड सबमिट टेन ग्राम टेन एम एल ट्वेंटी एम एल और फिफ्टी एम एल अलग अलग आप बनाते हो कि प्रिपेर एंड सबमिट फिफ्टी एम एल मिल्क ऑफ मैगनीसिया तो मिल्क ऑफ मैगनीसिया क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर कि जिसको यूज़ किया जाता है एज अ एंटासिड उसके बाद है मैग्नीशियम ट्राई है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मागाल रेड कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के जो सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेशली एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सिमेथिकॉन सस्पेंशन कि मागाल रेड का भी सिमेथिकॉन के साथ सस्पेंशन आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का भी मार्केट में अवेलेबल है सस्पेंशन और ये जो सस्पेंजन स्पेशली यूज़ होते हैं एज अ एंटासिड नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अल्सर प्रोटेक्टिव अब जो अल्सर है उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है जो अल्सर फॉर्म हुआ है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना जरूरी है उसको जरूरी है उसको अब हील करना अच्छे से क्या हो जाए वो अल्सर की हीलिंग हो जाए उसके लिए ज़रूरी है मेडिसिन अल्सर प्रोटेक्टिव्स की जिसके अंदर इंक्लूड है सुक्रालफेट एंड कॉलोडल बस्मत सबसाइट्रेट तो ये सी के तो टैबलेट्स अवेलेबल है बट सुक्रालफेट का आ, मार्केट के अंदर कैफेट ओ के नाम पे अवेलेबल है सस्पेंजन और सस्पेंजन पे ऑलवेज लिखा होता है यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक वेल बिफोर यूज़ तो सुकरालफेट सस्पेंजन यहाँ पे स्टमक का भी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि स्पेशली उसका जो फंक्शन है वो है एज अल्सर प्रोटेक्टिव सुक्रालफेट और साथ में ये टैबलेट की कोलोइडल बिस्मत सबसाइट्रेट सी बी एस टैबलेट्स कहा जाता है सी बी एस टैबलेट्स उसके बाद है एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स की पैप्टिक अल्सर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी अब उसी को करना ज़रूरी है किल। तो समझो कि स्टमक के अंदर ये एच पाइलोरी प्रेजेंट है उसको किल करना है तो उसके लिए एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए जो फेमस है एमोक्सीसिलिन है क्लेरिथ्रोमाइसिन मेट्रोनिडाजोल टीनिडाज़ोल एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये सभी एक टाइप से है एंटीबायोटिक्स ये सभी मेडिसिनस एक या दो तौर पे अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं कि ये एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं टू क्योर द पैप्टिकल्सर और उनका मेन फंक्शन होता है एंटी एच पाइलोरी हेलिकोबेक्टर पाइलोरी क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही डेवलप की हुई मेडिसिन यूज करते हैं और उनको हमने नाम दिया है एंटीबायोटिक्स कि एंटीबायोटिक्स के लेक्चर में आपने देखा होगा कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज़म में से ही ये एंटीबायोटिक्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं और उनका यूज़ हम करते हैं फर्दर टू किल द माइक्रो ऑर्गेज़म और टू इनहिबिट देयर ग्रोथ तो ये होगा द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर एंटी एच पायलोरी कि पहली को बक्टर पायलोरी को किल करने के लिए तो एबोट का ये फेमस है मेट्रोनिडाजोल टैबलेट फेज फ्लैजिल टू हंड्रेड उसका है और एबोट की ये जो प्रोडक्ट है तो ये काफ़ी फेमस है एच पाइलोरी ड्रग के अंदर एंटी एच पाइलोरी की जो पैप्टी अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है सो so, आज के लेक्चर में इतना ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन